पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक पेंशन रथ आज बहराइच पहुंचा। यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ कर्मचारी जो लखनऊ से आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कहना उनका, किन मुद्दों को लेकर आज इन्होंने ये पेंशन रथ निकाली हो, क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं नरेंद्र पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ। आज पुरानी पेंशन रथ लेके आए हैं हमारे ज्वाइंट फोरम केंद्रीय पुरानी पेंशन को लेकर। ये सारे समस्त संगठनों का एक एकत्रित करके संघ बनाया गया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम 40 साल 60 साल सेवा आपकी कर रहे हैं, जब सांसद जी पुरानी पेंशन ले सकते हैं, जितनी बार जीतते हैं उतनी पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, हमें भी पुरानी पेंशन का लाभ दीजिए। आगामी 2024 आने वाली है जिसमें लोकसभा का चुनाव है, यदि आपके द्वारा पुरानी पेंशन हमारे क्रांतिकारी बहादुर साथियों को, हमारे सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी जाती है तो निश्चित आप समझ लीजिए हम आपका प्रत्येक विधानसभा में, लोकसभा में जाके आपका विरोध करेंगे और सरकार हम आपकी नहीं बनने देंगे। ये संगठन के माध्यम से आपसे अपील की जाती है कि पुरानी पेंशन बहाल। हमारे साथ इस समय कुछ और कर्मचारी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं राकेश चौधरी, प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ। हम लोग 16 तारीख से कानपुर से जन जागरण रथ यात्रा, पेंशन का रथ यात्रा लेके चल रहे हैं और हर जनपदों में जन जागरण अभियान के तहत कर्मचारियों को जगाने का काम कर रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन बहाली करवानी है किसी प्रकार से। इस नाते इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये उसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोगों की बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन के रूप में हमको वापस करने की कृपा करें, नहीं तो बहुत आने वाले चुनाव में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नंदपाल सिंह जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले जो चुनाव है उसमें भी ये विपक्ष के रूप में काम करेंगे। बहराइच से।